हेलो एवरीवन, माय नेम इज शरण एंड टुडे वी विल बी स्टडीिंग द चैप्टर रामगर्स मैरिज। ये जो लेसन है ये बताता है एक रियलिस्टिक पिक्चर रूरल इंडिया के पास्ट इयर्स में कैसे वहाँ पर लाइफ जो है स्लो प्रिमेटिव वे में चलती है। वहाँ पे पॉवर्टी है, इग्नोरेंस है और ओल्ड एज कस्टम्स जो आज भी प्रिवेल करते हैं, और चाइल्ड मैरिज का एक मजाक बनाया जाता है। यहाँ पे चाइल्ड मैरिज होती है जिसमें रांगा का मेन कैरेक्टर है। रांगा मैरिज टाइटल इसलिए लिखा गया क्योंकि रांगा अकाउंटेंट का एक बेटा है जिसकी ये स्टोरी है, और ये जो विलेज है वो होसाली है। नरेटर यहाँ पे बताता है कि उसका जो विलेज है वो काफी ज्यादा छोटा है, इतना छोटा है कि जो इंग्लिश के जो लोग हैं उन्होंने उसको ज्योग्राफी बुक में मेंशन ही नहीं किया गया, लेकिन वो बताता है होसाली के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बात। जो लोकल डॉक्टर है जिनका नाम है गुंडा भट्टा, वो काफी ज्यादा जगह घूम के आए हैं, आउट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। उनके हिसाब से ये विलेज काफी इम्प्रेसिव है। विलेज जो है वो फेमस है मैंगोज के लिए। जो नरेटर है वो अप्रिशिएट करता है विलेज को। वो ये भी बताता है कि यहाँ के आम इतने खट्टे होते हैं कि आम खा नहीं सकते, लेकिन उसकी चटनी बनाकर जरूर खाया जा सकता है। अगर आप आम खा लेंगे तो शायद आपको खांसी हो जाएगी। फिर वो एक इंसिडेंट बताते हैं जो 10 साल पहले हुआ था। विलेज अकाउंटेंट का जो बेटा था उसने अपने बेटे को बेंगलोर भेजा पढ़ने के लिए। उस समय बहुत लोग इंग्लिश नहीं जानते थे। जब रंगा वापस आया, पढ़ लिख कर वापिस आया, 6 महीने के बाद एक बहुत बड़ा क्लाउड उसके आसपास आया उसको देखने के लिए और मिलने के लिए। सभी एकदम हैरान रह जाते हैं कि रंगा में कोई भी चेंजेस नहीं आए, और उनको जब रियलाइज होता है कि रंगा में कोई चेंजेस नहीं आए तो सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। वो अभी भी रिचुअल्स को फॉलो करता है, तो रंगा एक वर्ल्ड वाइज यंग मैन की जैसा वापस आता है। और अब उसको लगता है इस बात का एडवांटेज उठाकर नरेटर ये चाहता है कि रंगा की मैरिज कर दी जाए। तो अब वो एक दिन उसके घर आता है, उसके हाथ में ऑरेंजेस लेकर आता है। नरेटर सोचता है काफी अच्छा लड़का है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। और जब वो उससे बात करता है तो रंगा बोलता है कि वो ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता जो बच्ची जैसी हो, और उसको जब तक एक सही लड़की नहीं मिल जाती वो शादी नहीं करेगा। वो चाहता था एक मैच्योर पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना, क्योंकि उसके हिसाब से लड़की समझदार होनी चाहिए। इफ ही कुड नॉट गेट अ गर्ल ऑफ हिज चॉइस ही वुड प्रेफर टू रिमेन अ बैचलर, ये भी बोल देता है। और नरेटर काफी ज्यादा डिस्ट्रेस हो जाते हैं क्योंकि रंगा का जो डिसीजन होता है बैचलर रहने का वो उसको पसंद नहीं आता। रंगा यहाँ से चला जाता है। उसके बाद नरेटर अपना दिमाग बना लेते हैं कि वो शादी तो उसकी करवा के रहेगा। होता ये है स्टोरी में कि रामा राव की भांजी यहाँ पर आती है जिसका नाम होता है रत्ना, जो कि 11 साल की बहुत सुंदर लड़की होती है। और नरेटर को ये लगता है जो रत्ना है वो रंगा के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। वो एक वीणा लेकर बैठी होती है और उसको काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं, हारमोनियम भी बजाती है, एक बहुत अच्छी वॉइस होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो नरेटर है रामा राव के घर जाता है और उसकी वाइफ को बोलता है कि तुम रत्ना को बोलना कि बटर मिल्क लेकर वो उसके घर आए। जब रत्ना आती है तो वो उसको बोलता है कि तुम गाना गाओ। जब वो गाना गा रही होती है तो जैसे कि नरेटर की प्लानिंग होती है रंगा आ जाता है, और जब रंगा यहाँ पर आ जाता है तो एकदम आते आते रुक जाता है थ्रेशोल्ड पे और उसका गाना सुनता है। वो उसकी आवाज सुनकर एकदम एंचेंटेड हो जाता है, उसको देखने लग जाता है, उसको वो लड़की पहली नजर में पसंद आ जाती है। और रंगा फिर रत्ना के बारे में पूछता है नरेटर से। नरेटर काफी कनिंग है, वो उसको बोलता है कि उसकी जो शादी 1 साल पहले हो चुकी है। रंगा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और नरेटर यहाँ पे नोटिस करता है कि रंगा के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट है। फिर रंगा यहाँ से चला जाता है। जानबूझ के नेक्स्ट मॉर्निंग जो नरेटर है वो रंगा को एस्ट्रोलॉजर शास्त्री के पास लेकर जाता है और उनको कुछ चीजें समझाई होती है उसने। फिर वो एस्ट्रोलॉजर जो है वो वैसे ही बात करता है जैसे उसको बताया जाता है। शास्त्री एस्ट्रोलॉजर की बहुत तारीफ करते हैं, एंशियंट साइंस के बारे में बताते हैं। फिर वो बोलते हैं कि रंगा की शादी किसी ऐसी चीज से होगी जो समुद्र में पाई जाती है। गेस करते करते एक लड़की का नाम जो कि आर से होगा। फिर वो बोलते हैं कोई चीज जो ओशन में मिलती है, कमल पक्षी, मोस, पर्ल या रत्न जैसा प्रेशियस स्टोन होता है जो रत्ना। तो यहाँ से रत्ना का नाम आता है। नरेटर का जो प्लान है वो कामयाब हो जाता है और दोनों के चेहरे पर एकदम से सरप्राइज आ जाता है। फिर वो रिटर्न के वक्त पे रामा राव के घर के पास से निकलते हैं। रत्ना दरवाजे पर खड़ी होती है, नरेटर अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे पर सरप्राइज लुक होता है। वो रंगा को ये बात बताते हैं कि उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी गई थी और रत्ना की शादी नहीं हुई। अब ये स्टोरी आगे बढ़ जाती है, 3 साल बीत जाते हैं।
उसके बाद फाइनली रंगा और रत्ना की शादी हो जाती है। यहाँ पर रंगाप्पा जो है वो अपने घर पर इनविटेशन देते हैं डिनर का, क्योंकि उनके बेटे श्याम का बर्थडे होता है। और रंगा ने अपने बेटे का नाम औरता के नाम पर इसलिए रखा है क्योंकि उनके कल्चर में माना जाता है जिसको आप सबसे ज्यादा चाहते हैं उसके नाम पर अपने बेटे का नाम रखते हैं। श्याम जो है वो नरेटर के पास आता है और उसके गले लगता है और नरेटर उसको किस करता है और एक छोटी सी सोने की अंगूठी उसको पहनाता है। सो दिस इज हाउ अ चैप्टर एंड्स। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।